हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोगों ने स्कूबा डाइविंग और सैंड बैंक के लिए अपनी बुकिंग ऑलरेडी कर दी थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो हम लोग पहले जा रहे हैं सैंड बैंक के लिए और फिर उसके बाद जाएंगे स्कूबा के लिए। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से निकल दिए हैं। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने थोड़ा लाइट ही किया था और हमें यहाँ पे लोगों ने टाइम दिया था 9 बजे, तो हम लोग आ गए हैं। अभी ये अपनी जेट स्की को रेडी कर रहे हैं एंड देन दे'ल टेक अस टू द सेक्सी रीफ। यहाँ पे काफ़ी तरीके के सैंड बैंक्स होते हैं, बट वी हैव चोजन जहाँ पे कोई ना हो। सो दे हैव टोल्ड अस कि यहाँ पे एक और थोड़ा सा दूर पे एक सैंड बैंक है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो हम लोगों ने वो वाला चूज़ किया था। तो अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। एंड ऑल्सो एज दिस रीफ वॉज बिट अवे फ्रॉम द आइलैंड, सो दे चार्ज एक्स्ट्रा $20 फॉर दैट फॉर राउंड ट्रिप। सो टोटल द ट्रिप दिस एक्टिविटी कॉस्ट अराउंड $70 फॉर 2 पर्सन्स। नाउ एज वंस वी बोर्ड दिस जेट स्की, दे विल ड्रॉप अस एंड दे विल कम बैक। दे हैव ऑलरेडी आस्क द टाइम, सो वी हैव चोजन 2 आवर्स स्टे एट दैट रीफ। सो आफ्टर 2 आवर्स दे कम बैक एंड दे पिक अस अप फ्रॉम देयर। ऑल्सो वी आर हैविंग अ ड्रोन विद अस, तो हम लोग खूब सारी ड्रोन वीडियोज़ बनाने का प्लान किया हुआ है। और अगर आपके पास आपका पर्सनल ड्रोन नहीं है तो आप इनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दे विल चार्ज एक्स्ट्रा $20 एंड दे विल शूट अ ड्रोन वीडियो फॉर यू गाइज। तो आप इस तरीके से भी इनकी सर्विस ले सकते हैं। नाउ द ट्रिप हैज़ स्टार्टेड, तो अब मिलते हैं हम लोग सीधे सैंड बैंक पे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम लोग आ चुके हैं वापस से माफुशी आइलैंड। तो सैंड बैंक का एक्सपीरियंस एक काफ़ी डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस था और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 1:30 बजे फॉर स्कूबा डाइविंग, बट हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग अभी ऐसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और हम लोग चलते हैं प्राइवेट बीच की तरफ।
और एक चीज़, स्कूबा करने से पहले आप प्रेफर कीजिए कि आप थोड़ा लंच वगैरह ना करें, थोड़ा लाइट ही ब्रेकफास्ट या कुछ भी हल्का सा स्नैक्स वगैरह ले लीजिए, बिकॉज़ अगर आप स्कूबा काफ़ी ज़्यादा खा के करेंगे तो इट माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। अब हम लोग आ चुके हैं इको डाइव क्लब। यहाँ पे दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द डाइव। तो यहाँ पे लोग अपना सारा सामान अपने स्पीड बोट पे पहुँचा रहे हैं, एंड ऑल्सो बिफोर टेकिंग अस फॉर एक्चुअल डाइव दे विल गाइड अस, ट्रेन अस एंड ब्रीफ अस कि हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं, सो दैट वी वोंट बी पैनिक। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बोट पे। तो इंस्ट्रक्शन में हमें काफ़ी क्लियरली बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, लाइक प्रेशर इक्विलिब्रियम हम लोगों को कैसे मेंटेन करना है जस्ट इन केस हमारे कान में पानी चला जाता है या फिर आँख में पानी चला जाता है सनग्लासेस में, तो हमें उसको कैसे रिमूव करना है। एंड दे टोल्ड लॉट ऑफ टेक्निक्स, साइन लैंग्वेजेस, बिकॉज जब भी हम लोग पानी में होते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं जा सकती है ट्रेनर के पास, तो हमें साइन लैंग्वेज में उनसे बात करनी होती है। तो दे टोल्ड अस अबाउट दोज साइंस एज वेल। ऑल्सो बिफोर साइनिंग अप फॉर स्कूबा दे आस्क अस टू फिल अ फॉर्म वेयर वी हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन ऑल द मेडिकल कंडीशंस सो दैट दे आर अवेयर इफ समथिंग हैपेंड दे शुड हाउ टू टैकल दो सिचुएशंस। नाउ वी आर रेडी फॉर अवर डाइव, सो वी आर वेरी एक्साइटेड एज दिस इज़ अवर फर्स्ट डाइव और थोड़ा सा हम लोग नर्वस भी हैं। सो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट स्कूबा डाइव। एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मालदीव्स की खासियत है यहाँ का पानी इतना साफ होता है कि यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आता है स्कूबा डाइविंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।